फ्रेंड्स, आज हम फिर आ जाए एक नई क्लास के साथ। आज हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन की। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ये भी एक जीओसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपने बोला, आपको हमने बताया था कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ा था, अब हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, फिर हम मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन की। तो स्टूडेंट, हाइपर कंजुगेशन जो है एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन टेम्परेरी इफेक्ट होता है। हाइपर कंजुगेशन होता क्या है देख लेते हैं। इसमें फाइव टाइप है हाइपर कंजुगेशन होते हैं। नेथन और बेकन जो साइंटिस्ट थे, मतलब बेकर नाथन एक साइंटिस्ट है, तो बेकर नाथन ने ये बताया था कि जो भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो रिलीज हो सकते हैं, वो टेम्परेरी रिलीज हो सकते हैं। मीन्स अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और उसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो दीज आर नॉट अल्फा कार्बन, ठीक है, ये अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है। अल्फा कार्बन क्या होगा, अगर हम ये बात करते हैं तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, और इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। ऐसे एल्कीन है, तो एल्कीन में अगर हम ये कह देते हैं तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, अल्फा कार्बन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये लिखा है, तो ये तो अपना मेन ग्रुप हो गया और ये वाला अल्फा कार्बन हो गया, और ये जो अल्फा क्या हो गया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझ लेना कि डिफरेंस क्या होता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम अल्फा कार्बन नहीं बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होगा जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन है वही हमारा अल्फा कार्बन है। अब जैसे ये वाला है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन है नहीं, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। तो इसमें जो भी हाइड्रोजन हुए वो क्या हुए, अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो अब हम देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो नेथन और बेकन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या प्रपोज किया कि हाइपर कंजुगेशन फॉलोइंग टाइप टाइप के होते हैं। तो कौन सा है, पहला तो है फर्स्ट टाइप हुआ सिग्मा और पाई बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन में क्या हो सकता है, जैसे मान लो ये वाला है, मान लिया हमने एग्जांपल लिया प्रोपीन, ठीक है ना। तो प्रोपीन एग्जांपल लिया, तो प्रोपीन क्या हो सकता है कि ये तो अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, तीन हैं। तो ध्यान से देखना, ये तीनों अपने हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं एच एच और एच, ठीक है, तो ये अपने तीनों हाइड्रोजन को एक एक करके रिलीज कर रहा। मान लो ये वाले हाइड्रोजन को रिलीज किया तो इस पे आया प्लस, और इस पे आया निगेटिव, तो वो निगेटिव ट्रांसफर होके यहां चला गया और डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। समझ में आ रही ना बात, रेजोनेंस लग गया। जैसे ये पॉजिटिव आया तो निगेटिव आया, ये निगेटिव पलट के यहां जाएगा तो इसका बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एक स्ट्रक्चर ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर इसके साथ बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तीसरे स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो तीसरा स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ये तीसरा स्ट्रक्चर बन गया। तो अच्छा, ये एक चीज देखो कि जितने अल्फा हाइड्रोजन है उसमें वन एक जुड़ रहा है उतने स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जैसे तीन अल्फा हाइड्रोजन थे तो यहां पर कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वन टू थ्री और फोर, ठीक है। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नो बॉन्ड स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन, ठीक है। तो एल्कीन के केस में टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन। तो अगर हम ये कहें कि एग्जांपल दो चार देख लेते हैं,
तो इसमें बच्चों अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ तीन अल्फा एच है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं, ये वाला अल्फा कार्बन हुआ तो इसके साथ दो ही है, तो यहाँ पर दो है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इधर भी अल्फा हुआ और इधर भी अल्फा हुआ, तो इसमें कितने हो रहे हैं, सिक्स हो रहे हैं, ठीक है ना, ये सिक्स हो गए। इसमें कितने हो रहे हैं, ये भी अल्फा है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ और ये अल्फा हुआ, तो थ्री 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 नाइन है इसमें, ठीक है। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थ्री प्लस वन मतलब फोर बनेगा, टू प्लस वन थ्री बनेगा, सिक्स प्लस वन सेवन बनेगा और नाइन प्लस वन टेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम और ले लेते हैं सी एस थ्री का होल ट्वाइस, सी डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री का होल ट्वाइस, तो इसमें कितने हैं, तीन तीन कितने हो रहे हैं, थ्री थ्री सिक्स और थ्री थ्री सिक्स, टोटल कितने हो रहे हैं, बारह हो रहे हैं, तो यहाँ कितने बन जाएंगे, तेरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब बारह अल्फा एच हो रहे हैं तो तेरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ऐसे हम इसको भी लेते हैं, तो इसमें तीन अल्फा एच है, इसमें अल्फा एच तीन है, तो इसके स्ट्रक्चर चार बन जाएंगे, टॉलिन है, ठीक है। तो ऐसे हम और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे वो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें वन का सम होगा, तो ऐसे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ये आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ अल्फा एच, ठीक है। जितने ज्यादा अल्फा एच होते हैं उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एल्कीन की। तो हम स्ट्रक्चर कुछ ड्रॉ कर देते हैं, जैसे तो आप ये भी देख रहे हो, तो इसमें कैसे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 12 अल्फा एच है, सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। इसके बाद इसमें 9 अल्फा एच है तो ये स्टेबल हुआ। इसमें देखो 6 अल्फा एच है, इसमें भी 6 अल्फा एच है, इसमें भी 6 अल्फा एच है, बट ये वाला कैसा है, ट्रांस है, ये आइसोब्यूटीन वाला केस है, और ये वाला कैसा है, सिस है। तो याद रखना कि जो आइसोब्यूटीन होता है वो अमंग्स द ऑल आइसोमर इज मोर स्टेबल होता है, ये आपको याद रखना। जितने भी ब्यूटीन ब्यूटूइन का केस है तो उसमें आइसोब्यूटीन क्या होता है, ब्यूटीन के आइसोमर में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसमें ये ट्रांस वाला स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि दो ग्रुप अपोजिट साइड में है, ठीक है, बल्कि ग्रुप, तो इसमें जो रिपल्शन होगा सेम साइड सेम ग्रुप अपोजिट साइड में, तो यहाँ रिपल्शन जो होगा वो मिनिमम होगा, और यहाँ अगर सेम साइड में तो यहाँ रिपल्शन मैक्सिमम होगा। रिपल्शन मिनिमम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। उसके बाद इसमें थ्री अल्फा एच है और इसमें नन है, एक भी अल्फा एच नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको भी नोट कर ले, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी पे, बॉन्ड लेंथ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बॉन्ड लेंथ को भी देख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और एक हमारा ये स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी 1.39 एंगस्ट्रॉम होगी, क्यों होगी देख लेते हैं। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है, थ्री अल्फा एच है, यहाँ पर नो नन है, हाइपर कंजुगेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, याद रखना कि आपने आपको बताया था कि नो बॉन्ड रेजोनेंस है, नो बॉन्ड रेजोनेंस है मींस क्या होता है कि इंक्रीज डेवलप इन सिंगल बॉन्ड डेवलप
पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, एंड आल्सो इन प्योर डबल बॉन्ड डेवलप पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर। मीन्स क्या होता है, जो प्योर डबल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ होती होती है, प्योर डबल बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन प्योर डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होगी, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है प्योर वाला तो इसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी। बट आपको पता है कि यहां रेजोनेंस लग रहा था। रेजोनेंस क्या करता है कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ को डिक्रीज कर देता है और डबल बॉन्ड की लेंथ को इंक्रीज कर देता है, तो यानी कि उसको बैलेंस कर देता है। इसमें जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनेगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मान लो ये H प्लस हट गया यहां से, तो ये हो गया, ये डॉटेड है, ये भी डॉटेड है, मतलब सिंगल बॉन्ड भी नहीं है डबल बॉन्ड भी नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है तो उससे कम हो गई, और डबल बॉन्ड भी नहीं है मतलब प्योर, तो यानी कम थी तो थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ना प्योर डबल बॉन्ड है ना प्योर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो उनके बीच में है, तो सिंगल बॉन्ड वाली की बढ़ जाएगी घट जाएगी और डबल बॉन्ड वाली की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन कितनी आ जाएगी 1.39 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो आप इसको भी नोट करो। ठीक है, तो सेकेंड टाइप का जो होता है टाइप टू का है फेनाइल रिंग के बीच में होता है, फेनाइल रिंग सिग्मा, ठीक है, तो फेनाइल रिंग और सिग्मा में इस तरह की फेनाइल रिंग हो गई है और ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, कैसे करेगा, ये हाइड्रोजन लगा रहेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा पॉजिटिव में, ठीक है, तो उसका निगेटिव यहां पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, है ना, यहां पे आएगा, फिर ये बॉन्ड एक्सचेंज हो जाएगा, बॉन्ड यहां चला जाएगा, इसका निगेटिव यहां आ जाएगा, इसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे इसके, ठीक है, तो इसके भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, चार बन रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि नंबर ऑफ अल्फा एच प्लस वन इतने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसको भी आप देख लो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अच्छा, इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अर्थो और पैरा पोजिशन पे इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा कि अर्थो और पैरा पोजिशन पे अगर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो जो उसका रेट होगा वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट को सप्रेस कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि आप इसमें ये भी देख रहे हो, इट इज नॉट वर्क एट मेटापोजिशन, ठीक है ना, ये मेटापोजिशन पे वर्क नहीं करता है, ठीक है, और डोमिनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट को क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है, मेटापोजिशन पे वर्क नहीं करता है, ठीक है, और ये क्या करेगा, अगर मेटापोजिशन पे वर्क नहीं करता है, अर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब इसमें क्या हो रहा होगा कि अर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रही होगी, क्या होगा यहाँ पे, मेटा सब्स्टिट्यूशन होगा, तो हम देख लेते हैं इसके पास, अगर ये स्ट्रक्चर है CH3, अगर इसके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है तो यहाँ आप सीधे देखो, यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं, 3 है, यहाँ अल्फा एच 2 है, यहाँ अल्फा एच 1 है, और यहाँ अल्फा एच नील है, एक भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो इसका मैक्सिमम होता है, बट डोमिनेट करता है क्या, हाइपर कंजुगेशन, मतलब हाइपर कंजुगेशन पावरफुल इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो हम हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ परसेंटेज जो होगी
अगर ये स्ट्रक्चर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो इसका मतलब है 1, 2, 3 और ये 4। तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो उस केस में क्या होगा कि अर्थोपैरा डिक्रीज करेगी, अर्थोपैरा परसेंट डिक्रीज करेगी एंड मेटा क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, यानी कि ये वाला 100% अर्थोपैरा बना रहा होगा और ये वाला 100% क्या बना रहा होगा, मेटा बना रहा होगा। यहां पे क्या बना रहा होगा, इसमें अर्थोपैरा मेजर बन रहा होगा, माइनर में मेटा बन रहा होगा। यहां पे अर्थोपैरा क्या हो रहा होगा, माइनर हो रहा होगा और मेटा क्या हो रहा होगा, मेजर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो। तो फेनाइल रिंग का और अपर कंजुगेशन, मतलब ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना कि ये डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। ठीक है, और मेटा पोजीशन पे होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा और हाइपर कंजुगेशन वर्क नहीं करेगा। लेकिन अर्थोपैरा पोजीशन अगर फेनाइल रिंग की है तो हाइपर कंजुगेशन पावरफुल इफेक्ट होगा मेटा इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है ना, तो आप इसको भी नोट कर लो। तो बातें आपको समझ में आ गई। आगे फिर हम और डिस्कस करते हैं। अगला जो टाइप है, टाइप कौन सा है, 3 है, तो इसमें कार्बोकैटायन। ठीक है, तो टाइप 3 में कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन में क्या होता है, कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं तो कार्बोकैटायन में हम देख लेते हैं क्या होता है। एक ये कार्बोकैटायन है, एक ये वाला कार्बोकैटायन है और एक ये वाला कार्बोकैटायन है और एक ये वाला कार्बोकैटायन है। तो यहां पर जितने ज्यादा कार्बोकैटायन होंगे, मतलब जो स्टेबिलिटी है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये मिथाइल है। ठीक है, 2 डिग्री, 3 डिग्री और यहां पे नंबर ऑफ अल्फा एच 9 अल्फा है, यहां पे 6 अल्फा है, यहां पे 3 अल्फा है और यहां पे नील है, एक भी अल्फा नहीं है। मतलब जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, तो आप इसको भी देख लो, जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे कैसे होंगे। देखो, अगर ये पॉजिटिव रिलीज करेगा तो निगेटिव किस पे दे देगा, कार्बन पे। ये कार्बन निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पा रहे होंगे। तो ऐसे जितने ज्यादा हाइड्रोजन मिल रहे प्लस प्लस में टूटेंगे, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन इसको देते जाएंगे, तो न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा। तो जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो आप इसको भी नोट कर लो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ऐसे टाइप 4 भी हो जाएगा। टाइप 4 में क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल वाला। टाइप 4 कैसा हो जाएगा बच्चों, फ्री रेडिकल वाला, फ्री रेडिकल हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ऐसे इसको भी देख लो, फ्री रेडिकल वाला होगा तो उसमें भी क्या होगा, जो भी स्टेबिलिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शन होगी, नंबर ऑफ अल्फा एच के। ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। ये 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे आ रहे हैं, कैसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन पे फ्री रेडिकल है, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है, उस पर फ्री रेडिकल है, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये 1 डिग्री ऐसा कार्बन है, ये 1 डिग्री से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया और ये मिथाइल है तो मिथाइल पे हो गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, 9 अल्फा एच है, 6 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है और नील है, इसमें 0 है। ठीक है, इसका मतलब जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होगी, फ्री रेडिकल वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, नंबर ऑफ अल्फा एच के। ठीक है, जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि रेजोनेंस उतने ही ज्यादा लग रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसको भी देख लो। ठीक है, वीडियो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको। इसके बाद आएगा एक टाइप 4, टाइप 5, इसको हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन।
इसको हम माइनस एच भी बोल सकते हैं, जैसे कहाँ पर कंजुगेशन को हम प्लस एच बोलेंगे तो इसको हम माइनस एच भी ले लेंगे। ये वैसे लगेगा जहां पर अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप आ रहे हो, ठीक है, जैसे इस तरह से आ रहा हो, जैसे ये लगा हुआ है तो अल्फा कार्बन हो और उस पर क्या लग रहा हो, क्लोरीन लगाओ, तो ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ठीक है, तो ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, ठीक है, ध्यान से देख लो, रिवर्स लग रहा है ना, पहले उसमें क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था, अब क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आप इसको भी नोट कर लो, तो पांच टाइप के हो गए। फिर आगे हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉब्लम दी हुई है, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसी प्रॉब्लम है, यहाँ आप देख रहे हैं दो और दो कितने अल्फा एच है, यहाँ पर दो अल्फा एच है, यहाँ पर कितने अल्फा एच है, फोर अल्फा एच है, तो जो इसकी स्टेबिलिटी जिसमें अल्फा एच ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि बी इज ग्रेटर देन ए स्टेबिलिटी में, ठीक है। यहाँ पर अल्फा एच कितने हैं, यहाँ पर तीन है, यहाँ तीन है, यहाँ तीन है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, तो टोटल इसमें दस अल्फा एच है। इसमें कितना है कि यहाँ तीन है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो सिक्स अल्फा एच है, ठीक है। यहाँ कितना है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, तो थ्री अल्फा एच है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी वाला हुआ, ठीक है ना, जिसमें अल्फा एच ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा हो गई। इसके बाद इसमें कितने हैं, फाइव अल्फा एच है, इसमें कितने अल्फा एच है, सिक्स अल्फा एच है, तो बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, अब जैसे लिखा है हेक्स वन इन, तो वन इन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच डबल वन सी एच टू, तो ये हेक्स वन इन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, तो वन इन में यहाँ पर कितने, दो अल्फा एच आ रहे हैं, ठीक है। अगर यही टू इन होता तो अल्फा एच कहाँ आ जाते, टू पोजिशन पे हम लगा देते हैं, टू इन हो गया यहाँ पे, तब अल्फा एच कितने हो गए, इधर थ्री हो गए और इधर कितने हो गए, टू हो गए, यानी कि फाइव अल्फा एच होते। अगर हम इसी को थ्री इन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर टू आएगा और यहां पर भी टू आएगा, यानी कि फोर अल्फा एच आएंगे, ठीक है। तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, बी वाला, फिर सी वाला और फिर ए वाला, ठीक है ना। आप स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, ए इनको पहले फर्स्ट पोजिशन पे, फिर सेकेंड पोजिशन पे, फिर थर्ड पोजिशन पे इनको लगाएंगे और काउंट करेंगे, ठीक है ना। अभी इसमें देखते हैं, यहां पर टू है, यहां पर टू है, यहां पर टू है, यहां पर टू है, मतलब एट अल्फा एच है, और यहां टू, ये फोर अल्फा एच है, तो ए इज ग्रेटर देन बी स्टेबल हो गया। चलो यहां तक की तो बात हमको समझ में आती है, अब इन दोनों क्वेश्चंस को देख लो कैसे करना है। टू है, ये टू है, यानी कि इसमें फोर अल्फा एच है, यहां पर भी टू है, यहां पर भी टू है, इसमें भी फोर अल्फा एच है, ठीक है ना। अब ये वाला देखो, इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाला कैसा हो गया, ट्रांस हो गया, और इसकी डायरेक्शन देखो इधर जा रही है, इसकी भी नीचे जा रही है, तो ये वाला सिस हो गया, ठीक है। तो याद रखना, ये भी ट्रांस सिस हो गया, तो यहां पर सिस जो वाला होगा, सिस वाला मोर स्टेबल देन ट्रांस होगा, ठीक है। ये कहां तक होगा, अप टू 11 कार्बन, अप टू कार्बन 11, ठीक है, कौन सा, व्हेन अल्फा एच इज इक्वल, व्हेन अल्फा एच इज इक्वल, सिस स्टेबल देन ट्रांस, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल मतलब ग्रेटर देन 11 कार्बन क्या हो जाएगा, ट्रांस, ग्रेटर स्टेबल देन सिस ड्यू टू वंडरवाल रिपल्सन, ड्यू टू मोर वंडरवाल रिपल्सन, ड्यू टू मोर वंडरवाल रिपल्सन, ठीक है ना, वंडरवाल रिपल्सन। तो अभी देखो इसमें अल्फा एच चार थे, इसमें भी चार थे, लेकिन यहाँ पे बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा ए से, क्योंकि सिस जो है ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होता है। साइक्लिक के केस में हम बता रहे हैं, ओपन में हमेशा ट्रांस स्टेबल होगा और सिस क्या होगा, कम स्टेबल होगा, लेकिन जब साइक्लिक की बात करेंगे तो सिस स्टेबल हो जाएगा कहां तक, 11 कार्बन तक, ठीक है, 11 कार्बन तक, उसके बाद कौन स्टेबल होगा, ट्रांस वाला। यहां पर देखो, यहां पर भी टू और टू फोर अल्फा एच है, यहां पर भी टू और टू फोर अल्फा एच है, लेकिन जो सिस वाला इसमें क्या है, 11 से ज्यादा कार्बन, तो यहां ट्रांस कौन सा, ये वाला है, और सिस कौन सा, ये वाला है, मतलब ट्रांस इज ग्रेटर
स्टेबल देन, सॉरी ये वाला ट्रांस है, सॉरी ये वाला ऊपर नीचे, ये वाला ट्रांस है, ये वाला सीस है, मतलब यहां पे बी वाला ग्रेटर स्टेबल ए, मतलब ट्रांस इज ग्रेटर स्टेबल देन सीस, और यहां पे सीस इज ग्रेटर स्टेबल देन ट्रांस। तो आप इसको भी नोट करो, हम कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं उनको भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं उनमें और क्या लॉजिक लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ आगे भी क्वेश्चन देखते हैं, इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं इनको भी देख लें। जैसे ये वाला है, यहां पर कितने हाइड्रोजन है, तीन है, यहां पर दो है और यहां पर दो है, मतलब टोटल कितने हो रहे हैं, टू टू, और ये मतलब सेवन अल्फा एच हो रहे हैं, मतलब तीन यहां है, दो यहां है, दो यहां, यहां कितने हैं, टू टू फोर, यानी फोर अल्फा एच, मतलब क्या हुआ, जो ए है वो बी से क्या है, ग्रेटर स्टेबल है। यहां पर समझना, यहां पर जो है वो 120 बॉन्ड एंगल है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर भी sp2 है, यहां पर 120 है, यहां पर भी sp2 है, तो यहां भी 120 हो गया, मतलब एक ही रिंग में, एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग, तीन कार्बन की जो रिंग होती है और उसमें एक ही रिंग में दो sp2 बन रहे हैं, मतलब 120 बॉन्ड एंगल, 120 बॉन्ड एंगल, मतलब एंगल स्ट्रेन इसकी ज्यादा है। भले इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, पांच हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन चार हैं, बट क्या होगा कि ए इज ग्रेटर देन बी स्टेबल होगा, बट बी क्या होगा, लीस्ट स्टेबल ड्यू टू रिंग स्ट्रेन, रिंग स्टेट, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एक मतलब आप देखो ना, एक ट्राइंगल में कितना बनता है बॉन्ड एंगल, ठीक है, लेकिन यहां कितना है, दो ही में बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं, तो ये क्या पॉसिबल है क्या, एक ट्राइंगल में इतना, प्लानर में नहीं है, ठीक है ना। चलो तो इसके बाद अब इसको देखते हैं, यहां पर अल्फा एच वन और वन है, यानी टू अल्फा एच है, यहां पर टू अल्फा एच कितने हैं, वन वन और थ्री, यहां पर कितने हैं, फाइव अल्फा एच है, मतलब बी इज ग्रेटर स्टेबल देन ए हो गया। अब ये वाले में देख लेते हैं, इसने कितने हैं, नाइन अल्फा एच है, थ्री थ्री थ्री, इसमें कितने अल्फा एच है, वन अल्फा एच है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, यहां पर कितना है, थ्री थ्री और थ्री, नाइन अल्फा एच है, यहां पर कितना है, सिक्स अल्फा एच है, थ्री और थ्री, तो ए इज ग्रेटर देन बी। इस वाले को देख लो, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, यहां पर बच्चों ध्यान देना है कि यहां लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर होते हैं तो इसमें रेजोनेंस लग रहा होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है ना, रेजोनेंस इसमें लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस विच इज डोमिनेट हाइपर कंजुगेशन, मतलब रेजोनेटिंग जो इफेक्ट होता है वो पावरफुल इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन से, ठीक है, तो रेजोनेंस डोमिनेट कर रहा है, यहां पर हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, बट बी वाला स्ट्रक्चर जो है वो ए वाले स्ट्रक्चर से क्या होगा, कम स्टेबल होगा, क्यों, रेजोनेंस की वजह से, इसमें क्या लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है, तो ये रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल कर देगा स्ट्रक्चर को, हाइपर कंजुगेशन कम स्टेबल कर पाएगा, ठीक है, तो आप इनको भी नोट कर लो, फिर हम आज की क्लास में हाइपर कंजुगेशन इतना ही, फिर हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, अब हम धीरे धीरे जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है इनके इफेक्ट क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एसिडिटी बेसिसिटी पे और रिएक्टिविटी पे, ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे जब ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूट्यूब पे लोड करने वाला हूं, इवन ऑर्गेनिक लोड होने के बाद मैं फिजिकल भी लोड करूंगा, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पूरी की पूरी ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक कंप्लीट पैकेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लें।